नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारत में नाग शासकों का समृद्ध इतिहास रहा है। भारत के नागों और नाग शासकों पर हमने इस चैनल के विविध कार्यक्रमों में चर्चा की है। आज एक गुमनाम वीरांगना चमेली बावी का ऐतिहासिक वृतांत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो नागों की छिंदक शाखा से थी। भारत के नाग कौन थे, उनका क्या और कहां कहां शासन रहा है, इस पर मैंने विस्तृत कार्यक्रम किया है, जिसे मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। नाग राजकुमारी चमेली बावी और अन्नम देव के मध्य हुए संघर्ष के इस कथानक को जानने से पहले हमें समझना होगा कि छिंदक नाग कौन थे। वह चक्रकोट स्थान कहां है जहां के शासक थे छिंदक नाग। चक्रकोट की अवस्थिति हमें छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में प्राप्त होती है, जहां वर्तमान में बस्तर संभाग है। छिंदक नाग इस परिक्षेत्र में कर्नाटक से आए थे और वहां के सिंध नागों के वे प्रतिनिधि थे। सिंध नाग मध्य भारत से होकर कर्नाटक की ओर गए थे, जहां से उनका राजनैतिक पराभव हुआ और फिर वे मध्य भारत के दंडक वन में अपने लिए स्थान बना सके और कुछ ही समय में गंग राजाओं को पराजित कर वे क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनकर उभर गए। सर्वप्रथम नाग राजा नृपति भूषण 1012 से 1050 ईस्वी ने चक्रकोट क्षेत्र के कुछ भागों पर अधिकार कर नाग राजवंश की स्थापना की। वे भोगावती पुरवरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। नृपति भूषण के निधन के पश्चात जगदेक भूषण धारावर्ष 1050 से 1062 ईस्वी राजा हुए, जिनके पश्चात चक्रकोट में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर छिंदक नागों की ही एक उपशाखा अर्थात मधुर मंडल के राजा मधुरांतक देव 1062 से 1069 ईस्वी ने चक्रकोट पर अपनी ऐरावत के पृष्ठभाग पर कमल कदली अंकित राजपताका फहरा दी। मधुरांतक देव को क्रूरता तथा निरंकुशता के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उसने जगदलपुर से 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित राजपुर नाम के एक गांव को नरबलि के लिए एक मंदिर को दान में दे दिया था। मधुरांतक बहुत समय तक शासन नहीं कर सका। पूर्व शासक नागराजा जगदेक भूषण धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर प्रथम 1069 से 1111 ईस्वी ने युद्ध में उसका वध कर दिया तथा वे चक्रकोट के अब निष्कंटक शासक बन गए। सोमेश्वर प्रथम की दो पत्नियां थी, सासन महादेवी तथा धारण महादेवी। धारण महादेवी अभिलेखों में दानदात्री भी रही है। 11वीं सदी के दंतेवाड़ा से प्राप्त एक शिलालेख में राजा सोमेश्वर प्रथम की बहन मासक देवी का उल्लेख मिलता है। मासक देवी एक योग्य और कठोर प्रशासनिक अधिकारी जान पड़ती है। दंतेवाड़ा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मासक देवी किसानों से जबरन तथा बार बार लगान वसूली से चिंतित प्रतीत होती हैं। मासक देवी किसानों के बीच जाती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं तथा शासन से अलग इकाई होने के बाद भी समस्या के निदान के लिए सक्रिय पहल करती हैं। वे 5 महासभाओं के प्रमुखों तथा किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करती हैं, लिए गए निर्णय को राजाज्ञा की तरह जारी करती हैं कि भविष्य में अनियमित लगान वसूली किसी शासकीय अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, ऐसा करने वाले को विद्रोही तथा राज्य का शत्रु समझा जाएगा। इन्हीं सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी भगवान विष्णु की भक्त थी। उन्होंने नारायणपाल में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था तथा यह गांव मंदिर को दान में दे दिया था। नारायणपाल का विष्णु मंदिर आज भी संरक्षित अवस्था में उपलब्ध है। सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख हमें कुरुसपाल से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनकी समस्त युद्ध विजयों की गाथा अंकित है। ज्ञात होता है कि उन्होंने वेंगी पर आक्रमण कर उसे जला दिया था।
भद्रपट्टन तथा वज्र के साथ दक्षिण कोसल के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सोमेश्वर देव के उत्तराधिकारी थे कन्हार देव प्रथम 1111 से 1153 ईस्वी। कुरुषपाल अभिलेख, राजपुर ताम्रपत्र और नारायणपाल अभिलेख में कन्हार देव प्रथम का उल्लेख आता है। यह उनके शासन काल की ही घटना है कि रतनपुर के कलचुरी सामंत जगपाल देव 1145 ईस्वी ने कांकर अथवा कांकेर पर विजय प्राप्त कर ली थी। कन्हार देव प्रथम के बाद चक्रकोट के इतिहास पर पुनः लगभग 75 वर्ष का अंधकार मिलता है। बहुत सीमित जानकारी हमें बारसूर अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार कन्हार देव द्वितीय 1153 से 1195 ईस्वी का शासनकाल सोमेश्वर द्वितीय 1195 से 1218 ईस्वी के पहले रहा होगा। सोमेश्वर द्वितीय पहले नागवंशी शासक हैं जिन्हें चक्रवर्ती अर्थात सम्राट होने की उपाधि प्राप्त थी। संभव है विभिन्न मांडलिक राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी। बारसूर अभिलेख के अनुसार उन्होंने बारसूर में ही दो शिव मंदिरों के संचालन के लिए एक गांव दान में दे दिया था। इसके बाद के शासक थे जगदेक भूषण नरसिंहदेव 1218 से 1224 ईस्वी। उन्हें मणिकेश्वरी देवी का भक्त बताया जाता है। मणिकेश्वरी देवी का मंदिर वर्तमान दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर से लगकर ही अवस्थित है। ऐसी जानकारियां हैं कि उनके शासनकाल में बस्तर का शैव धर्म तांत्रिक समुदाय में परिवर्तित होने लगा। वस्तुतः नाग राजाओं की शासन प्रणाली से संबंधित कुछ जानकारियां हमें जय सिंह देव 1224 से 1248 ईस्वी के समय के अभिलेखों में भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद इतिहास का एक और अंधेरा समय जो लगभग 75 वर्ष का आता है, जिसके संबंध में हमें कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अंततः हमें राजा हरिश्चंद्र देव 1300 से 1324 ईस्वी की जानकारी मिलती है, जो चक्रकोट के अगले ज्ञात राजा हैं। इन्हीं राजा हरिश्चंद्र देव की पुत्री थी राजकुमारी मासक देवी, जिनकी वीरता का वृतांत अवश्य जानना चाहिए। यह घटनाक्रम एक तरफा प्रेम कहानी भी है जो रोचक है किंतु दुखांत। नाग शासित क्षेत्र चक्रकोट पर बाद में आते हैं, पहले चलते हैं निकट के काकतीय साम्राज्य की ओर, जो धन धान्य से संपन्न और शक्ति में भी अपनी पराकाष्ठा पर था। काकतीय महारानी रुद्रांबा देवी को कौन नहीं जानता, उनकी वीर गाथा पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, कुछ फिल्में भी बनी हैं। महारानी रुद्रांबा देवी का विवाह चालुक्य राजा वीरभद्रेश्वर से हुआ था। उनकी एकमात्र संतान पुत्री मंबडंबा थी। राजकुमारी मंबडंबा का विवाह चालुक्य वंश में राजकुमार महादेव से हुआ था। इन दोनों की संतानें थीं राजकुमार प्रताप रुद्रदेव तथा राजकुमार अन्नमदेव। काकतीय महारानी रुद्रांबा देवी ने अपनी पुत्री के पुत्र प्रताप रुद्रदेव अर्थात अपने दौहित्र को दत्तक पुत्र माना और वे अगले काकतीय प्रशासक बने। प्रताप रुद्र का शासन समय शांतिप्रिय नहीं था। इस समय तक इस्लामिक आक्रांताओं की दृष्टि भारत भूमि और यहां की विपुल संपदा पर पड़ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के वफादार सेनानायक मलिक कफूर ने पहले वारंगल पर आक्रमण किया, जिसे समझौते के माध्यम से अपार धन देकर दिल्ली वापस भेज दिया गया। वारंगल राज्य पर गियासुद्दीन तुगलक के शासन समय में फिर दूसरा और तीसरा हमला हुआ, जिसके बाद काकतीय वंश का पतन हो गया। प्रताप रुद्र ने निर्णायक पराजय से पहले अपने छोटे भाई तथा चालुक्य राजकुमार अन्नमदेव को बची खुची सैनिक शक्ति लेकर वारंगल से निकल जाने के लिए कहा और गोदावरी नदी को पार कर नाग शासित क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। यह इसलिए क्योंकि इस समय तक नाग शासक बहुत विभाजित हो गए थे तथा छोटे छोटे मांडलिक भी स्वतंत्र राजा की तरह व्यवहार कर रहे थे। अन्नमदेव ने भारी मन से काकतियों के निर्णायक पतन के बाद गोदावरी नदी को अपने चुने हुए घुड़सवारों के साथ पार किया और एक एक कर बिखरे हुए नाग शासकों को अपने अधीन करते चले गए। चूंकि अन्नमदेव के माता पिता चालुक्य वंशीय थे, अतः
उनके द्वारा स्थापित नवीन शासन भी काकतीय नहीं बल्कि चालुक्य ही कहा गया। लगभग संपूर्ण नाग क्षेत्र जीत लिया गया था, फिर भी नागों की केंद्रीय शक्ति राजा हरिश्चंद्र देव के नेतृत्व में चित्रकूट जलप्रपात के निकट के क्षेत्रों में बनी हुई थी। अन्नम देव ने चक्रकूट पर आक्रमण कर दिया और पहले ही प्रयास में उसने नाग शासक हरिश्चंद्र देव को घायल कर दिया था। पिता के घायल होते ही उनकी वीरांगना पुत्री राजकुमारी चमेली बावी अपनी दो अन्य सहेलियों झालरमती नायकिन तथा घोगिया नायिका के साथ पूरी ताकत लगाकर आक्रांता पर टूट पड़ी। इतना सुव्यवस्थित युद्ध संचालन की अपनी विजय को तय मान चुकी चालुक्य सेना घंटे भर के संघर्ष में ही तितर बितर हो गई। अन्नमदेव पराजित तथा सैनिक सहायता के लिए प्रतीक्षारत तंबू में ठहरे हुए बाध्य थे कि कब बारसूर और किलेपाल से उनके सरदार अपनी अपनी सैन्य ताकत लेकर यहां पहुंचे और फिर एक बार हरिश्चंद्र देव पर चक्रकोट के निर्णायक अधिकार के लिए आक्रमण किया जाए। आश्चर्य कि अन्नमदेव युद्ध में मिली इस पराजय के बाद भी दुखी नहीं थे, बल्कि सच तो यह था कि वे युद्ध लड़ती वीरांगना चमेली बावी को देखकर अपना हृदय हार गए थे। आखिरकार अन्नमदेव ने युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने संधि का एक पत्र नागराजा हरिश्चंद्र देव के पास भेजा। पत्र में अन्नमदेव ने कहलवाया था कि बस्तर राज्य की सीमा चक्रकोट से पहले ही समाप्त हो जाएगी तथा आपको चालुक्य शासकों की ओर से हमेशा अभय प्राप्त होगा। चक्रकोट पर हुए किसी भी आक्रमण की स्थिति में बस्तर राज्य से सहायता प्रदान की जाएगी। राजा हरिश्चंद्र देव के साथ संधि की केवल एक ही शर्त है कि वे अपनी पुत्री राजकुमारी चमेली बावी का विवाह बस्तर राज अन्नम देव के साथ करने के लिए सहमत हो जाएं। अन्नम देव यह मानकर चल रहे थे कि उनका भेजा विवाह और संधि प्रस्ताव मान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि इस समय हरिश्चंद्र देव के अधिकार में केवल गढ़िया धाराऊर करेकट और गढ़चंदेला के सीमित गढ़ और इलाके ही रह गए थे। यह अवश्य था कि भ्रामरकोट मंडल में जिसमें मर्दापाल मंदोता राजपुर मांदला मुंडागढ़ बोदरापाल केशरपाल कोटगढ़ राजगढ़ भेजरी पदर आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं से कई पराजित नाग सरदार अपनी शेष बची सैन्य क्षमताओं के साथ हरिश्चंद्र देव से आकर मिल गए। तथापि अब बराबरी की क्षमताओं का युद्ध शेष नहीं रह गया था। किसी भी स्थिति में जीत तो चालुक्य राजा अन्नमदेव की होनी तय थी। आश्चर्य कि नाग शासक की ओर से अन्नमदेव को टकासा जवाब मिल गया। राजा हरिश्चंद्र देव ने उत्तर भेजा कि अपनी बेटी के बदले उन्हें किसी राज्य की या जीवन की कामना नहीं है। आक्रांता को नाग राजकुमारी की ओर से भी संदेश मिला कि स्त्री को संधि की वस्तु समझने वाले अन्नमदेव का विवाह प्रस्ताव मैं ठुकराती हूं। अन्नमदेव आश्चर्य में थे। ऐसे विरोचित उत्तर की तो उन्हें कामना ही नहीं थी। वे अब भी प्रेम में थे, अतः यही सोचा गया कि चक्रकोट पर जीत के बाद तो राजकुमारी उनकी हो ही जाएंगी। यही सोचकर अगली सुबह होते ही युद्ध की धुंधुभी बजने लगी। हरिश्चंद्र देव की कुल सैन्य क्षमता से कई गुना अधिक सैनिकों ने बारसूर किलापाल और कंजरकोट की ओर से चक्रकोट को घेर लिया। भीषण संग्राम हुआ, तभी एक प्राण घातक वाण हरिश्चंद्र देव की छाती में आ धसा। आनन फानन में राजकुमारी चमेली का राज तिलक कर उन्हें चक्रकोट की शासिका घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस समय केवल गिनती के सैनिक ही जय घोष करने के लिए शेष रह गए थे। बाहर युद्ध जारी था तथा अनेकों वीर नाग सरदार अपनी नई रानी तक अन्नमदेव की पहुंच को असंभव किए हुए थे। अब अन्नमदेव की विजय श्री का क्षण था। पत्थर से निर्मित किले की दीवारें पहले ही ढहा दी गई थी। दीवार से भीतर वे सज धज कर तथा हाथी में बैठकर प्रविष्ट हुए। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नगरवासी मौन आंखों से अपने नए शासक को देख रहे थे। सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए एक एक भवन और प्रतिष्ठान पर कब्जा करते जा रहे थे। राजकुमारी को गिरफ्तार करने के लिए और राजा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक दल को पहले ही आगे भेज दिया गया था।
अन्नम देव चाहते थे कि राजकन्या का दर्प दमन किया जाए और उसके पश्चात वे सबके सम्मुख इसी समय विवाह करें, परंतु आक्रांता जैसा चाहता है वैसा कब और कहां हो पाता है। इससे पहले कि अन्नम देव के सैनिक राजकुमारी चमेली बावी तक पहुंचते, अपनी दो सहेलियों झालरमती और घोगिया के साथ आग में कूदकर राजकुमारी ने अपने प्राण दे दिए। नाग राजकुमारी ने न केवल असाधारण वीरता के प्रतिमान ही निर्मित किए, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आक्रमणकारी बल से किसी की जमीन तो हथिया सकते हैं, लेकिन मन और प्रेम हथियारों से हासिल नहीं होते। संपूर्ण नाग क्षेत्र पर अधिकार कर बस्तर राज्य का निर्माण करने वाले चालुक्य राजकुमार अन्नम देव ने अपनी ऐसी पराजय की कल्पना भी नहीं की थी। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात के मार्ग पर लोहंडी गुड़ा के निकट बेनियापाल का मैदान है। नागराजा हरिश्चंद्र देव और अन्नम देव के बीच युद्ध इसी मैदान में हुआ था। चित्रकोट जलप्रपात के ठीक सामने ही सड़क के दूसरी ओर लगभग 200 मीटर भीतर जाने पर नागकालीन प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना विशालकाय शिवलिंग मेरी नजर में संपूर्ण बस्तर में दूसरा नहीं है। यद्यपि शिवलिंग अब क्षरित हो रहा है तथा इसके समुचित संरक्षण की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, आसपास पड़े प्रस्तर अवशेष यहां एक भव्य मंदिर होने की गवाही देते हैं तथा शिवलिंग और गर्भगृह की विशालता से यह प्रतीत होता है कि यह नारायणपाल के समानांतर ही एक तीर्थ रहा होगा। चित्रकोट के साथ ही लगे कच्चे रास्ते पर उतरकर आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र देव के किले के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। यहां पर किले का एक बड़ा हिस्सा है जो अब नष्ट हो गया है। पत्थरों से निर्मित किले की दीवार का केवल एक भाग अब देखा जा सकता है, वह भी इसलिए बच गया है क्योंकि विशालकाय वृक्ष ने उसे अपनी पनाह दी हुई है। इस किले के अवशेष से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक चबूतरा है जिसे उस स्थल के रूप में पहचाना जाता है जहां राजकुमारी चमेली बावी ने स्वयं को अग्नि समर्पित कर दिया था। यह चबूतरा भी ग्रामीणों की भलमनसाहत के कारण ही अब तक सुरक्षित है। इस स्थल से पीछे मुड़कर किले को देखता हूं तो महसूस होता है कि भव्य रहा होगा यह नागलोक। निगाह पड़ती है जहां बच्चों ने किले के अवशेष से पत्थर निकाल निकाल कर पेड़ के नीचे जमा कर दिया है, जिससे कि उस पर चढ़कर वे बरगद की कोई लट पकड़कर झूला डाल सके। अतीत की इतनी उपेक्षा से मन खिन्न हो उठता है। ये चार दीवारियां वर्तमान भी हैं और इतिहास भी, जिन्हें जानना है कि 700 साल शासन करने के बाद नाग कहां गए। वे यहां आकर अवलोकन तो करें, परत दर परत दृश्य दर दृश्य एक बीता हुआ युग वर्तमान में ही आकार लेने लगेगा और इसके लिए किसी मुद्रा को खोजना नहीं है, किसी शिला को हमें बूझना नहीं है, सब कुछ साक्षात। मित्रों आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।